भगवान कन्हैया पर कलंक लगा, भगवान कन्हैया मणि का पता लगाने चले तो देखा कि एक रास्ते में शेर मरा पड़ा है। आगे बढ़े तो क्या देखा कि एक शेर के आगे गुफा है और उस गुफा में एक बेटी उस मणि को उछाल उछाल के खेल रही है। भगवान कन्हैया ने कहा चोरी हम पे लगी वो मणि बिटिया जी के पास। तो मणि लेने की ओर बढ़े और जैसे ही बढ़े सो बेटी ने आवाज लगाई पिताजी। और जैसे ही पिताजी की आवाज लगाई जामवंत जी आए और भगवान कन्हैया से भयंकर युद्ध करने लगे। 27 दिन तक युद्ध चला। कन्हैया समझ गए और जामवंत जी समझ गए ये भगवान है, चरणों में गिर गए। महाराज की जय हो। भगवान ने कहा जय जय कार बाद में करना, पहले ये मणि दे दो क्योंकि इस मणि के चक्कर में मुझ पे कलंक लग गया। तो जामवंत जी ने कहा सरकार मणि तो नहीं दे पाएंगे। बोले फिर कैसी जय जय और क्यों नहीं दे पाओगे? बोले मणि मैंने बेटी को दान में दे दी और दान की गई वस्तु वापस नहीं लेनी चाहिए। हाँ आजकल कई लोग हैं उनके पास आरती गई तो 100 की नोट डाली और पंडित जी से कहा 90 वापस कर दो। हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको 90 चाहिए तो पहले बाहर से छुट्टे करा के लाओ, जो आपने एक बार दान दे दिया वो दे दिया, वापस नहीं लेना चाहिए। दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जाती। तो भगवान कन्हैया ने कहा आप तो बड़ी चिंता, अब क्या करें? कहा एक उपाय है। बोले क्या? बोले मैंने मणि बिटिया को दान में दे दी, अब बिटिया आप दान में ले लो। हाँ और जब बिटिया आपकी तो मणि भी आपकी। भगवान ने कहा जो भी करना हो जल्दी करो, कलंक से बचाओ। उसी समय भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री श्री जामवती जी के साथ में हुआ। बोल जामवती महारानी की जय हो। भगवान का तीसरा विवाह कैसे हुआ? जब मणि को लेकर के आए और सत्राजित को दिया और जनता को पता चला तो अब ये जनता बोली हम तो पहले से कहते थे कन्हैया ऐसे हो ही नहीं सकते। अभी 20 लोग यहां पर उठे और कहे महाराज जी बहुत अच्छी कथा करते, अभी 400 लोग बोल पड़ेंगे हाँ बहुत अच्छी, और खाली 20 लोग बोले अरे महाराज जी कहाँ कथा करते हैं, 400 लोग पलट जाएंगे। और फिर वही 20 लोग उठे नहीं नहीं महाराज अच्छी कथा करते, तो जो 400 खड़े थे वो कहेंगे हम तो पहले से ही कह रहे थे। ये समाज है। अजब सा रंग देखा इस दुनियादारी का, कोई अपना नहीं कोई बेगाना नहीं।